समाजसेवी संस्था नवनिर्माण फाउंडेशन ने शिमला के रिज मैदान पर शुक्रवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर लगाए गए इस शिविर में स्थानीय लोगों, पर्यटकों और संस्था के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर नवनिर्माण फाउंडेशन ने शिमला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर का संचालन IGMC शिमला की डॉक्टर पल्लवी ने किया। इस मौके पर नवनिर्माण फाउंडेशन की अध्यक्षा सुदेश ग्रेक ने कहा कि वो समय समय पर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका इस प्रकार के शिविरों का मुख्य उद्देश्य बाल कैंसर पीड़ितों के लिए रक्त एकत्रित करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है। जो रक्तदान की टीम आई है वो IGMC से आई है, जिसका संचालन डॉक्टर पल्लवी जी कर रही है। हमने तो लक्ष्य तो 50 यूनिट रखने हुए, पर मौसम के उससे थोड़ा फिर भी लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। तो हम 8 साल से इस क्षेत्र में सेल के क्षेत्र में कार्यरत कर रहे हैं, स्पेशली कैंसर। तो हाँ, कैंसर के उसके लिए खून की बहुत कमी रहती है, इसलिए हमने सोचा है कि इन बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि हम इनके लिए रक्त की कमी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।